जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सज्जाद अब्बासी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपना मरी। मेरे पास जो गेस्ट आए हुए थे, मेरे कज़न फैमिली के कुछ लोग थे, उन्होंने अपनी गाड़ी जो है गांव से थोड़ा सा बाहर, जहाँ से हमारा गांव स्टार्ट होता है मदीना टाउन, वहाँ पे पार्क की थी। ये पीसी बूरबन रोड से तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर अंदर है हम, और गाड़ी थोड़ा सा नीचे वाले एरिया में क्योंकि पार्क की थी, सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हो। तो अब यहाँ से गाड़ी ऊपर लेके आना ज़रा मुश्किल हो रहा है। आज के वीलॉग में आपको यही दिखाऊंगा, पिनो एडवेंचर। हम अपने पिनों को लेके वापस हाईवे तक, पीसी बूरबन रोड तक कैसे पहुँचते हैं, क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पीसी बूरबन रोड तकरीबन मेरा अंदाज़ा होगा कि 3 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो रास्ता सारा ऐसे ही है, इससे आगे जाके थोड़ा सा और मुश्किल होगी हमें, लेकिन देखते हैं कि हम लोग कैसे निकलते हैं यहाँ से। और इस व्लॉग के अंदर आपको यही चीज़ें दिखाऊंगा, तो देखते रहिए अपना मरी। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये एडवेंचर वाली लाइफ है, ज़बरदस्त लाइफ है, इसको देख सकें, इसका हिस्सा बन सकें। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। हम अभी फर्स्ट अटैम्प्ट पे तो पिनो हम ऊपर नहीं चढ़ा सके, अब नीचे चलता हूँ और इनकी भी कुछ हेल्प आउट भी करता हूँ, कुछ अपनी एक्सपर्टीज़ इनके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे निकलेंगे हम यहाँ से। तो आज के व्लॉग में आपको यही सब कुछ दिखाऊँगा, चलते हैं गाड़ी के पास। और इसको अब थोड़ा सा इसके बाद मेहनत करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा खींच के ऊपर की तरफ लेके जाना ज़रा मुश्किल काम है ये, लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ निकल जाती हैं। ये मदीना टाउन से आगे का जो एरिया है, यहाँ है ट्रबल नहीं है। मैं थोड़ा सा इनके साथ साथ पीछे पीछे चलता हूँ और लेट्स सी, देखते हैं कि और तो उसको आगे हटो हो गाड़ी फेरी सकते हैं उसको रिच कर लो। जी सर, चढ़ जाएगी गाड़ी हमारी? सर जी पीछे से तो चढ़ गई है, यहाँ से कोशिश कर रहे हैं आगे फेरे, तो हालात तो खराब है। अब मुझे आगे जाने दें। अब देखते हैं कि ये जगह थोड़ी सी मुश्किल है, यहाँ से जो है लेट्स सी, पूरा एडवेंचर है ये, इतना आसान काम नहीं है यहाँ पे। ये अगेन करना पड़ेगा, ये जी सक्सेसफुल रहे हम। थोड़ा सा समझे गड्डी गाड़ी जो है वो स्टिल एडवेंचर में ही है और मुश्किल में पड़ गई है। यहाँ से भी ऊपर जाना बड़ा मुश्किल काम है, जिस एडवेंचर को भी पूरा पूरा कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो
मैं थोड़ा सा कच्ची बर्फ के ऊपर से चलता हूँ, रीजनिंग मुश्किल है ये। अच्छा दे बहुत जगह यह है, अच्छा दे उधर रोक के भी ना फूल गया हुआ। ये जी भाई साहब जो स्लिप हुआ है अभी ये क्योंकि ये जो बर्फ है ये वाली ये मेरे पाँव के नीचे इसको जो आ रही है ये पत्थर है, ये फ्रीजर की जो जिस तरह बर्फ होती है ये वो चीज़ है। पैर नहीं रखा था, पैर रखेंगे इसलिए मैं कच्ची बर्फ के ऊपर से चल रहा हूँ। आर्मी वाले भाई हमारी मदद कर रहे हैं, ये यहाँ पे भी हमारी मदद कर रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने रोड में अला अलग हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें सिर्फ बेलचा दे दें हम साफ़ कर लेंगे, लेकिन उसने नहीं हमारी बात नहीं सुनी और हमें ये जगह साफ करके दी है। थैंक यू वेरी मच, सैल्यूट टू आर्मी। सक्सेसफुल है ये बेलचा, इन्होंने के लिए क्या दी बेलचा, बेलचा बेलचा देने अपनी मंजिल की तरफ। लेट्स सी कि अगला वाला जो पैच है वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, थोड़ा सा पैच फिर रोका है, मुश्किल है। एक दफा फिर रह गई, बिल्कुल टॉप पे जाके थोड़ी सी हिम्मत और कर जाती तो चढ़ जाती ऊपर। अगेन अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा, हमारी पिनो जो है वो निकल गई है और ये अब हम जो है घड़ियाल कैंप पहुंच गए हैं। घड़ियाल कैंप बाजार छोटा सा बाजार है और ये पीसी बूरबन रोड है जो सामने रोड मेन रोड गुजर रही है उस तक आना था हमने। पहला फर्स्ट स्टेप तो ये था। अब ये जो है ये इस वक्त में घड़ियाल कैंप मेन बाजार के साथ नमाज पढ़ी हमने, मस्जिद है और वहाँ पे खड़ा हूँ और ज़बरदस्त जगह है ये। ज़बरदस्त इसलिए कि पीसी बूरबन रोड है, पीसी की तरफ जो लोग जा रहे हैं तो वो सारा उनका गुजर यहीं से होता है, यहीं से गुजरते हैं। अच्छा